खबर मसूरी से है, जहां सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे। साथ ही सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने उत्तराखंड राज्य निर्माण के दौरान मसूरी गोलीकांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। वहीं सीएम धामी ने कहा कि वो खुद आंदोलनकारी रहे हैं। वहीं मसूरी में लंबे समय से शिफन कोट वाले आवास को लेकर आंदोलन चल रहा है। आपको बता दें कि पुरकुल रोपवे से 84 परिवारों के आवास उजाड़ दिए गए थे। इस मुद्दे पर भी सीएम ने लोगों को भरोसा दिया कि जल्द ही नगरपालिका और सरकार के सहयोग से उनके आवास बनाए जाएंगे। कि वास्तव में जो शिफन कोट के हमारे भाई बंधु हैं, उनका निश्चित रूप से पुनर्वास होना चाहिए और सरकार मानती है। अभी चूँकि इसमें विस्तृत रूप से हमने सचिव पर्यटन और चीफ सेक्रेटरी की जो कमेटी है उसको एक बार बैठा कर हम पूरी समीक्षा करने वाले हैं। और जैसा इन्होंने कहा गणेश जी ने कि रोपवे का काम शुरू होने से पहले हम सभी जो है जो हमारे शिफन कोर्ट के लोग हैं उनका फैसला करेंगे, उनके बारे में व्यवस्था करेंगे। हम अपने शहीदों के ऋण से कभी उऋण हो ही नहीं सकते और प्रभु से प्रार्थना है जब तक हमारी सांसें रहें तब तक हम हमेशा श्रद्धांजलि में इसी तरह से आते रहें। और जो शहीदों का संकल्प था, जिस वजह से उन्होंने शहादत दी, उसको पूरा करने में तन मन धन हम लगा सकें और अपने को न्योछावर कर सकें, जितनी भी श्रद्धांजलि दें हम उतनी कम है। पर्यटन के मामले में मैंने मसूरी के भी कुछ प्रोजेक्ट रखे हैं, अभी देखिए क्या होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रपोजल भेजने वाले हैं, जब तक वो प्रपोजल आते नहीं है हम लोग उस काम को कर नहीं देते हैं, कहना उचित नहीं है। मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, मेरी डिस्कशन माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई है। तो पूरे उत्तराखंड को हम समग्र दृष्टि से देखते हुए सारे प्रपोजल मंगा के अतिशीघ्र कोई ऐसा अच्छा काम है।